सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। फ्रेंड्स, जेएसएम एफएफ चैनल में आपका स्वागत है। आज जानेंगे जेएन का एक मॉडल नंबर है, इसमें एफआरपी का लॉक प्रॉब्लम है, एफआरपी लॉक है एडमायर सेंस डीओ में। तो एफआरपी लॉक कैसे रिमूव होता है, चलिए जानते हैं। पहले तो आप मोबाइल में बैटरी लगा दे सही तरह से, फिर आप पावर बटन, मैं आपको बता देता हूँ ढक्कन लगा के। ये पावर बटन को 3 या 4 सेकंड दबाना है, फिर तुरंत वॉल्यूम डाउन बटन दबाना है। तो चलिए जानते हैं कैसे होता है। तो वॉल्यूम बटन दबाया, फिर वॉल्यूम डाउन बटन, वॉल्यूम जब भी जेन का लॉगो आए तो पावर बटन छोड़ दो, वॉल्यूम डाउन बटन दबाए रखें तो रिकवरी मेनू आ जाएगा। फिर उसमें आपको रिबूट टू बूट लोडर चूज़ करना है वॉल्यूम डाउन से, और कंफर्म करने के लिए पावर की दबाए, तो ये फ़ोन फास्ट बूट में चला जाएगा। आप देख सकते हैं फास्ट बूट बूट में। तो अब क्या करना है, फ़ोन को कनेक्ट करना है, फ़ोन को कनेक्ट करना है। अब फिर एसपीडी एफआरपी रिमूवर टूल तो नहीं है, बैट फाइल है, उसको डबल क्लिक करके रन करना है, वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। तो हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, आप देख सकते हैं प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ये हो गया प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, फ़ोन रिबूट हो गया। अब चेक कर लेते हैं फ़ोन में एफआरपी लॉक रिमूव हुआ या नहीं। ऐसे ही आपको हिंदी में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल जेएसएम हेल्पफुल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट सेटअप न्यू फोन, डोंट यूज एनी नेटवर्क फॉर सेटअप, मतलब एफआरपी लॉक सक्सेसफुल रिमूव हो गया है। कंटिन्यू एरो की दबा के नेक्स्ट करें, नेक्स्ट स्किप एनीवे सेटअप लेटर, अलाउ गॉट इट। ये हो गया है एफआरपी सक्सेसफुल रिमूव। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ऐसे ही आप एफआरपी रिमूव कैसे होता है एंड्रॉइड फ़ोन में तो आपको सीखना है तो हमारे चैनल जीएसएम हेल्प को सब्सक्राइब करना चाहिए, और बाजू में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। थैंक यू।